संपत्ति ठूला अभियोग गिरफ भंजनगर क्षुद्र जलसेचन सहकारी जंत्री कार्तिकेश्वर रावल दुर्नीति सिंधुकर मिलू कोटी कोटी टंका एते टंका जे मेसीन लगाई गणी भिजिलांस केवल कार्तिकेश्वर द्वितीय पत्नी कल्पना प्रधान एवं भौणी घर भिजिलांस जबत कर नगद 3,41,00,000 टंका जहां भिजिलांस एककालीन नगद टंका जबत रेकर्ड शनिवार सालिया साहि रोकता कार्तिकेश्वर शाड़ी घरे विजिलेंस टीम करिथिले रेड जेउठु मिलिथिला 1,41,00,000 नगद टंका 360 ग्राम सुना एवं 1 केजी ओजन रूपा कल्पना को जरिया रे साली को घरे एते सबु टंका कार्तिकेश्वर लुचाए रखिथिबा जणा पडिबा परे कल्पना को गिरफ करी कोर्ट चालान करिछि विजिलेंस सेबडे शुक्रवार कार्तिकेश्वर को 3 दिनिया रिमांड रे आनी पचरा उचरा करूछि विजिलेंस दुर्नीति अर्जित टर्का आउ क्यों क्यों स्थान एवं कहा पाखरे लुचाए रखिछन्ति कार्तिकेश्वर ताहा जानिबा पई माराथन जेरा करूछन्ति विजिलेंस कार्तिकेश्वर घर जबत होई कोटी कोटी टंका एवं एजाबत 7 कोटी रु अधिक टंकार संपत्ति ठाब हो सारा तेरे कल्पना भौणी जेकि कार्तिकेश्वर शाड़ी घर 3,41,00,000 टंका जबत कर विजिलेंस नवेश माती अधिक सूचना देवाई फोन लाइन अच्छा स्पेशल करेस्पोंडेंट नवेश जो परिमाण में विपुलापुला टंका मिलू विजिलेंस गोटे बड़ कथा एवं बर्तमान जो रिमांड रे नहीं पचरा उचरा कार्तिकेश्वर को करा जाउछि ता पाखरु किछि तथ्य उगाळिले नि कि विजिलेंस रिमांड रा जी द्वितीय दिन एवं द्वितीय दिन रे मध्ये माराथन जेरा करा जाउछि कार्तिकेश्वर कर थौ एवं तांको पाखरे आउ को जागा रे निजर पाप अर्जित अर्थात दुर्नीति अर्जित धन को लुचाई रखिछन्ति से बाबद रे मध्ये पचरा उचरा आरंभ करिछि विजिलेंस विभाग अपरपक्षे जदि आमे तांका संपत्ति कथा कहबा ए पर्यंत तृतीय चतुर्थ दिन आज 7.5 कोटी टंकार आय बर्वृत संपत्ति ठूल से सारी विजिलेंस विभाग आई जहां कि मूल रोजगार ठारु 1108% अधिका यह सहित प्रपर्टी जी जबत होती आश्चर्यजनक भाव 1 केजी ओजन सुना पाखापाखि जबत होती 940 ग्राम 1 केजी 4 ग्राम रूपा जबत होती या बाद आहुरी बहु संपत्तिर से मालिक होई पारंती भिन्न भिन्न लोकों ना भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न तरीका रे भिन्न भिन्न स्वरूप रे सुना आकार रे किबा टंका आकार रे से पैसा रखिथाई पारंती से बाबद रे मध्ये विजिलेंस विभाग अनुसंधान जारी रखिछि तेणु विजिलेंस रो जदि कहबा पूर्वरु तो विजिलेंस विभाग दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी मानकु ठाब कहबा से मानकर प्रॉपर्टी कु जबत करिवा दिगरे पदक्षेप नउथिला किंतु गत काली गोटे बहुत बड़ा पदक्षेप एडीजी विजिलेंस नेइछंती नुवा करिकि 4टी टीम गठन करा जाइछि पूर्वरु तो से टीम गुडी को एक्टिव थिला किंतु आहुरी एक्टिव करा जाइछि गोटे टेक्निकल टीम करा जाइछि जे कि प्रॉपर्टी गुडी को असेस करिवो अर्थात केते टंकार प्रॉपर्टी रहिछि एवं विशेष कर कंस्ट्रक्शन एवं कोठाबाड़ी संपर्कित जो रहिछि संपत्ति ताकू से मूल्यायन करिवो टेक्निकल विंग बाद गोटे साइबर विंग मध्ये डेवलप करा जाइछि जो साइबर विंग की दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी मानकर जो जबत होछि लैपटॉप मोबाइल या सहित सीसीटीवी कंप्यूटर हार्ड डिस्क सोशल मीडिया अकाउंट ताकू जांच करिवो या बाद अधिका केमिति तदंत हो पार से दिगरे आउ कि नुआ लोक इनवल्व चार्टर्ड अकाउंटेंट मान सामिल अच्छा तेणु विजिलेंस विभाग अभिमुख स्पष्ट कर सारी गत काली एडीजी विजिलेंस दर्शन जेठवा से स्पष्ट कर सारी दुर्नीति विरुद्ध में विजिलेंस अभिमुख अच्छी आगुक आहरी कठोर हेब और यक लोकों पर्दाफाश हेब विशेषकर जो मान तदंत कौन निर्दिष्ट कारण टेक्निकल सपोर्ट अटकी जाऊला से अटकब टेक्निकल सपोर्ट मिलला पर आहरी तदंत जोरदार हम और आहरी अधिक संपत्ति से ठाब हे सती धन्यवाद नवेश वर्तमान सूचना आहरी अधिक केउठार संपत्ति रही खोलताड़ करुछि विजिलेंस क्षेत्र में तत्परता मध्य देखाइछि ब्रेकपुर स्वागत रामनवमी कटकर विभिन्न राम मंदिर में चली पूजा अर्चना चहटा राम मंदिर तेलेंगा बजार राम मंदिर में विशेष व्यवस्था होती श्रृंखलित दर्शन पर मंदिर पक्षर व्यवस्था होती 2 वर्ष पर मंदिर आसी दर्शन कर श्रद्धा भी बेस खुशी प्रकाश कर दुबेन्दु मित्र आम सहित अच्छा कटक सीधा प्रसारण दुबेन्दु आज रामनवमी और 2 वर्ष पर भक्त मैंने सुजोग पाई आसी मंदिर में पूजार्चना करने केमती देखुं बर्तमान
ଆମେ ବି ଅଛୁ କଟକ ଚହଟା ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ବେଶ ଭିଡ଼ ପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ କଟକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ରୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ରୀତିକାନ୍ତି ସହିତ କେମିତି ଆଜି ରହିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ପୂଜକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ମହାଶୟ ଆଜି କେମିତି ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ବି ଆଜି ପୂଜା ସକାଳୁ 4 ପହର କଲା ହେଇଛି, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳଆରତୀ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳଆରତୀ ପରେ ଠାକୁର ମହାସ୍ନାନ କରାଗଲା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆସି ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆମର ସକାଳ 6 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସମାପନ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, 2 ଆଉ 2 ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। 2 ପରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। 2 ପରେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ସଭାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? 2 ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଆଜି 1 କୋହଳ ହେଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ 2 ପରେ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସକାଳୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏପଟେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ନୀତି ବା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପୁରାତନ ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ 7 ସାହିର ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ମୁରବୀ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାମନବମୀଠାରୁ ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାହିଜାତର ପର୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଓ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ମୁରବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଆଜି କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିର ରାମ ଜନ୍ମ ନୀତି ପର୍ବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହିର ନିଶାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଯଜ୍ଞ ରଖାନୀତି, ଏଭଳି ଅନେକ ନୀତି ଏବଂ ସାହିଜାତର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା ଶେଷ ହେବ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପରିକୁ। ଅକ୍ଷୟ, ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାହିଜାତ ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହି ସାହିଜାତର ପରମ୍ପରା ଯଦି କହିବା କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏଥିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମନବମୀ ଏକ ବିଶେଷ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ସାହିଜାତର ପରମ୍ପରା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିଟି ସାହିର ଗଳିକନ୍ଦି ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ପୁରୀର ଯେହେତୁ 7 ସାହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେହି ସାହିମାନଙ୍କର ଆଜି ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ରାମନବମୀ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରମ୍ପରା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ ଏବଂ କିଭଳି ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବିଶେଷ ରୂପେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହିଥରର ଦୀର୍ଘ 2 ପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ତାହାର ମହାନତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ମହନୀୟତା ରଖୁଛି। ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କାଳରୁ ପୁରାତନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଆଜି ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିଜାତ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଆସୁଛି, ତା'ପରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆମର ଏହି ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି
दीर्घ दुई वर्ष पर आम मैंने बहुत आनंदित उत्फुल्लित एवं प्रशासन को धन्यवाद देवु से सका यथारीति नियम पालन करा गोटे बहुत खुशी दिन दीर्घ दुई वर्ष पर रामनवमी भल भागार भक्त मैंने बहुत उत्साहित श्री रामचंद्र को दर्शन कर भोग भोग भी नहीं पार्च श्रीक्षेत्र साई यात्रा परंपरा आम जाने आज रात विभिन्न साई में विभिन्न राम कार्यक्रम आज आम साई जत पर्व यहाँ राम जन्म टू राम अभिषेक पर्यंत ये पालन कर 14 तारीख दिन आम महोत्सव हम महोत्सव की समस्ते बहु लोक प्रसाद सेवन करेंगे यहाँ हूँ आम रेलवे कर्मचारी हूँ बाहर लोकों सहित जड़ित राम मंदिर 1972 मसीह आरंभ हो एडी रेलवे लोक मान बहुत अवदान अच्छे जय जगन्नाथ आम तो निश्चित साई जत देखा जीव ए 7-8 दिन चलो आठ तो आज आम हैप्पीनेस फाउंडेशन तरफ आज आम सेवा कार्य करने मुझे प्रदीप कुमार प्रधान हैप्पीनेस फाउंडेशन प्रेसिडेंट दीर्घ वर्ष होगा कोरोना सकाशे भक्त मैंने सानिध्य पा नए देखिपे कि भक्तों भितर भिड़ रही आसी दर्शन कर विशेष भाव में ये आस कह भक्त मैंने तो निश्चित भाव देखिपे कि प्रति भक्त श्रद्धा मैंने आठ दर्शन करेतु करोना ना तुम आँ कहे जी कौन कह दीर्घ करोना थी दर्शन हो पार ना ए दर्शन हो श्रीक्षेत्र साइज पर्व आरंभ बहुत खुशी लगुच करोना थी आगुरी दर्शन हो पार ना ए दर्शन हबार ठाकुर कृपा बहुत समस्त ठाकुर कृपा आशीष लाभ कर बहुत खुशी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय बर्तमान सेठाकर चित्र देखी श्रीक्षेत्र आरंभ हो साही जात उत्सव एवं निरा परंपरा श्रीमंदिर रामनवमी विशेष परंपरा रे पूजा अर्चना कर श्रीजीव मान एपटे राम नाम कंपुची भुवनेश्वर रे पवित्र राम मंदिर परिवेश फुलरे सुंदर भाव मंदिर को सज्जित करे दीर्घ दुई वर्ष पर एथर कोरोना कटकणा कोहल पर राम मंदिर रे आयोजन रामनवमी आज प्रभु दर्शन पाइबार सुजोग पाई श्रद्धा आज भुवनेश्वर राम मंदिर समेत राज्य विभिन्न स्थान में व्यापक आयोजन श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था कर ब्यारिकेड व्यवस्था सुरक्षा कमिश्नरेट पुलिस पक्ष स्वतंत्र फोर्स मुतयन होती आज प्रभु स्वतंत्र नीति हो भोर 4:30 द्वारपिटा पर अवकाश 5:00 सका धूप पर श्रद्धा दर्शन दे श्रीराम सका 6:50 सका श्रृंगार बेश पर प्राय 7:00 सका आलती होता मध्यान 12:00 प्रभु लामलाल जन्म नीति कर स्थिर होने राम मंदिर प्रांगण में रामचरित मानस पारायण आयोजन चली आज दिन तमाम श्रीराम दर्शन पर श्रद्धा भिड़ हो श्रृंखलित दर्शन पर राम मंदिर परिचालना कमिटी समस्त व्यवस्था कर कहुए राम नाम धरले सबु काम शुभ होता है सबु अमंगल मंगल हो जाए ये रामनवमी में श्रद्धा मैंने छुट्टी आसी राम मंदिर परिसर को कोरोना कटकणा दुई वर्ष हटिबा पर प्रथम थरपाई कोरोना कटकणा हटिबा पर दर्शन करुंट दर्शन कर सारापर कि रही भक्त मान मनर भावाबेग आसतु आम पर मैडम आप कौ आसी आज दर्शन केमी रहा भुवनेश्वर बरमुंडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रु आसी छु आज दर्शन भलरे आमे दर्शन कलु आउ दी वर्ष हला कोरोना कोविड रु दर्शन तो करि पार नथिलु आउ दर्शन करिकि आम पिला मानक स्वामी संतान कर मन कामना पूर्ण करिया पई रामचंद्र गुरु मु गोटिए श्लोक गाउची दैहिक दैविक भौतिक ताव राम राज नहि काहु व्यापा ओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम देखा भक्त मान भितर अहेतुक भावाबेग देखा मिलूँ आउ जन भक्त रही आज आप प्रभु दर्शन कले सनातन साहु तालचेर आज्ञा आज्ञा मर्यादा पुरुषोत्तम दर्शन दुई वर्ष मिली ना आज ठाकुर पाखे प्रेयर कलु भगवान भक्त को दुर्दिन के पका
वर्तमान दर्शन करिवा पूर्वरु भक्तों आखिरे थिला लुह आउ दर्शन पर आखि उदय होइछि अनेक भक्तों कारण यह दर्शन मिलिबो केही केबे घरु बाहर बेले चिंता कर नथिले आउ किछि भक्त मध्य अछन्ती जय श्री राम माने राम मंदिर मु बहुत दिन पर आसिली बहुत भगवान कर डोरी थिले आसी होइ परिबो सेति पई मु आसी निजो को धन्यवाद वर्तमान आमे कथा बा पुजारी सहित शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन धाम पावन काल लोक विश्राम बहुत सुंदर भगवान शंकर जी महापार्वती कहते पार्वती समस्तंकर जो सुख देला बला रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेन यंचरामेति कथ्यते जो भगवान समस्तंकर मन भितरे समस्तंकर शरीर भितरे रमन करछंती जोटा गीता रे भगवान कहछंती ईश्वर सर्वभूतानं हृदय शेर जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया आदि से ही भगवान अमरो सगुन साकार ही करी ए नौमी तिथि रे नौमी तिथि मधु मास पुनीता ए पुण्य दिन रे और टिके नुहे भगवान कहते जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रेत्र लोक सुपासी सही ठीक बारटा रे ठीक मध्यान रे ठीक बारटा रे परात पर पूर्ण ब्रह्म भगवान अवतरण हेथिला अब मध्यान बारटा रात्रि रे भगवान कृष्ण अवतार हेथिला तमाम वर्तमान दर्शन व्यवस्था रहीब दिन प्राय बारटा बेलकू आमर प्रभु रामलालंकर जन्म उत्सव पालन हब एवं संध्या बेले मध्य विशेष कार्यक्रम रही भुवनेश्वर राम मंदिर परिसर रु अश्विनी साहू का सहित मानस न्यूज 18 ओडिया। भुवनेश्वर सनशाइन हॉस्पिटल परिसर में हृदरोग यार चिकित्सा संपर्कित स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित होई हृदरोगर विभिन्न सफल चिकित्सा पाई सनशाइन हॉस्पिटल रे किभली उन्नत व्यवस्था आनुषंगिक जंत्रपाती रही से नहीं गणमाध्यम को सूचना दिया जाई हॉस्पिटल रे सांबादिक सम्मेलन रे कहा जाई हृदरोग न्यूरो समस्या तथा कैंसर रोगर सफल चिकित्सा पाई एबे आधुनिक व्यवस्था थिबा चिकित्सा सुविधा सनशाइन हॉस्पिटल रे उपलब्ध हृदरोगर सफल चिकित्सा पाई इमेजिंग एंजियोप्लास्टी व्यवस्था उपलब्ध होई हॉस्पिटल पक्षर कहुचारे विभिन्न प्रकार जटिल रोगर सफल चिकित्सा करा जहां हॉस्पिटल पर एक गौरवर कथा रोगी माने किभली कम खर्च में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा पाइबे ताऊपर गुरुत्व दिया जाउछि आगकु एंजियोप्लास्टिंग इमेजिंग और यार कार्यक्षम मूल्यांकन भूमिका उपर खूब शीघ्र वैज्ञानिक कर्मशाला अनुष्ठित हेब एथिरे सारा भारतर 100 रु अधिक अभिज्ञ डाक्टर माने जोग देबे बोली हॉस्पिटल तरफरु कहा जाइछि रेगुलरली जो करोनारी एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी कलु सेटा आम नॉर्मली विदाउट इमेजिंग आम रेगुलरली करिथाउ किंतु जेहेतु अति कॉम्प्लेक्स करोनारी डिजीज जोगुडा बहुत डिफिकल्ट डिजीज थाय सेगुडा आम आक्युरेटली सक्सेसफुली करिया पई आजिकल इमेजिंग आसला इमेजिंग रही है करोनारी भितर को गोटे कैमेरा हिसाब से आम तार डिजीजर क्वालिटी डिजीजर कैरेक्टरिस्टिक्स आम डिटेल जाने आम से अनुसार प्लान कले आम सक्सेस रेट प्रोसीजर बहुत हाई थाए आम से सनशाइन हॉस्पिटल ऑलरेडी आरंभ कर सारे आम इमेजिंग रे बहुत अच्छी ओसीटी आईवास एफएफआर तार आम किसी जिन स्टार्ट करूँ आउ किसी जिन नियर फ्यूचर आम से फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट करने को चेस्टा कर ऑल ओडिशा इंडियन बैंक एम्ब्लियोज एसोसिएशन रो त्रयोवर्षिक सम्मेलनी भुवनेश्वर किट परिसर में आयोजित होई छी अवसर में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जाय थिला विशेषकर विभिन्न बैंक रो मिश्रण पर यह सबुठ बड़ा आयोजन बोली यूनियन पक्षर कहा जाय छी आयोजित यह त्रयोवर्षिक कार्यक्रम को ऑल इंडिया जॉइंट कमिटी आवाहक ई अरुणाचलम उद्घाटन करथिले ऑल ओडिशा इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन रो सभापति निरंजन मिश्र यहां को परिचालना करथिले यह अवसर में बैंक कर्मचारी विभिन्न समस्या उपर विस्तृत आलोचना होइथिला निश्चित भाव में वर्तमान जेपरी गवर्नमेंट रो जो पॉलिसी रही बैंक रो मर्जर उपर एवं प्राइवेटाइजेशन कहतु आप
आउटसोर्सिंग ऑफ एम्प्लॉइज कहतु तार उपर ही आम चर्चा करू कारण बर्तमान भारत पॉपुलेशन जहाँ एवं भारत बेकारी समस्या जहाँ स्थायी निजुक्ति प्रत्येक जड़े भारतीय नागरिक हिसाब से जड़े स्थायी निजुक्ति निहाती चाहिए जदि बैंक मिश्रण हम घरकरण हम अनेक लोक एथिरु वंचित हे तेणु आम निश्चित भाव आपको देशर प्रत्येक फोरम उठेबू एवं उठाऊ समय सारी बुलेटिन को ये रखुचु नमस्कार।